हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर का एमसीबीयू मतलब महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पेपर सेकंड को, जिसका जो नाम है विषय का इंग्लिश। इंग्लिश का पेपर है बीए फर्स्ट ईयर और पेपर सेकंड है फाउंडेशन कोर्स, जिसको हम एफसी यहां पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये इंग्लिश का पेपर है, 30 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसमें आपके जो 3 सेक्शन दिए हुए हैं, पहले सेक्शन में आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं 5 नंबर के, सॉरी यहाँ पर 4 नंबर के दिए, 5 आपको दिए हुए हैं, लेकिन आपको उनमें से सिर्फ 4 करना है जो भी आपको सही लगे या सही हैं। तो हम आपको यहाँ पर इसके आंसर बता दे रहे हैं कि हाउ मैनी पोइम आर देयर इज गीतांजलि रिटन इन इंग्लिश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 103 यानी 103, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन है विकल्प का, द स्टोरी हीरो इज ए शॉर्ट स्टोरी। जो स्टोरी हीरो वाली स्टोरी थी वह एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। तीसरा जो आपका विकल्प है वो है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी इज ए स्पीच गिवन बाय, तो ये किसने दिया था, जेएल नेहरू ने। इसके बाद चौथा जो विकल्प है हु यू टू गो टू स्कूल विथ खुशवंत सिंह इन हिज चाइल्डहुड डेज, तो इसका जो राइट आंसर है ग्रैंड मदर। आपको 5 में से 4 करना है, तो ये 4 आप जो है सही वाले कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर आपको छोड़ रखा, अगर आपको करना हुए तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप खुद कर लें। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर बी, जो कि आपका महत्वपूर्ण है सेक्शन नंबर बी। इसमें यूनिट बाय यूनिट आपके नंबर प्रश्न दिए हुए हैं, और इसमें आपको 3 प्रश्न करना जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे, मतलब 6 नंबर के प्रश्न इसमें से आपके आएंगे इस यूनिट में, इस सेक्शन में से। तो हम आपको यहाँ पर जो यहाँ पर आंसर बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं पहले वाले का आंसर, इसके बाद दूसरे वाले का आंसर, और इसके बाद आपका आ जाएगा चौथे वाले का आंसर। तो इनके आंसर आपको इसमें मिलेंगे सेक्शन बी में से। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में जो यहाँ पर सेक्शन बी का ही पार्ट है, इसमें आपके 10 जो है डुअस्थ डायरेक्टर दिए हुए हैं, जिनमें से आपको 8 करना है, ठीक है। तो 8 के आंसर आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएंगे। और इसके बाद यूनिट थर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना था किसी एक पर से, 4 टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमने आपको यहाँ पर इस वीडियो में आपको जो है स्टेटस ऑफ द वुमेन इन इंडिया, भारत में स्त्रियों की स्थिति के टॉपिक पर आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसके बाद आपका आता है चौथी यूनिट में आपको पैराग्राफ दिया है, इसमें ही से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और आंसर लिखना है इसमें से ढूंढ कर, तो इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। ये 3 प्रश्न है इसमें, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये वीडियो रहेगा। देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको आंसर लिख सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो चलिए हम आप एक एक करके सबके आंसर आपको बताते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, उसमें आपके 3 प्रश्न करना थे, तो 3 प्रश्न में से आपके यहाँ पर ये दिए हुए हैं, आप यहाँ से हमको कर सकते हैं। ये आपको 2 प्रश्न यहाँ पर दिख रहे होंगे, पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर आपका ये यहाँ तक है ओवरनाइट तक, और तीसरा जो आपका जो चौथा वाले प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पर करवाया है, ये आपका यहाँ तक रहेगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे में, डुअस डायरेक्टर पूछे गए थे, डुअस डायरेक्टर 10 दिए हैं, इनमें से आपको 8 करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले का जो आंसर है वो है टेक ऑफ टू लीव द ग्राउंड एंड बिगन टू फ्लाई, और इसके बाद दूसरा वाले का आंसर तीसरे चौथा रेगुलर है, 5वें में आपका 2 आएगा, 6वें में वेंट, इसके बाद रीड्स फेथफुल वाज्ड। यहाँ पर 9 और बल्कि यहाँ पर जो है 9 के आंसर हम यहाँ पर बता चुके हैं, आपको कोई भी 8 सही वाले कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन चौथे में पैराग्राफ लिखना था स्टेटस ऑफ द वुमेन इन इंडिया, इस पर से मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, तो आप इसमें से लिख लें। आप चाहें तो शॉर्ट कर लें अगर आपको बड़ा लगे तो, बाकी इसमें कोशिश की है कि पूरा शब्द सीमा में ही जो है आंसर रहे। आप इनके स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके इनके आंसर लिख लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो।
जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन और आने वाले वीडियो आगे की क्लासों के भी आप जब आगे क्लास में आएंगे तो आपको मिलते रहेंगे। हम आपकी हेल्प करने के लिए सदैव तत्पर हैं, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। तो ये थे बच्चों यहाँ इसके आंसर, ये पैराग्राफ में से जो अनसीन थी उसमें से आंसर लिखना थे, तो ये इसके तीनों आंसर हैं और इसके बाद ये आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।